अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, तो मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि एक प्रॉब्लम मेरे साथ एक फेस आई इलस्ट्रेटर पर, एडोब इलस्ट्रेटर पर। तो आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज़ का कि जब आप इलस्ट्रेटर की कोई भी शेप वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर डॉट्स वगैरह आते हैं, यहाँ पर चारों कॉर्नर्स पर डॉट्स आते हैं, जिससे हम अपने चारों कॉर्नर्स को रेडियस कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं ईजिली। तो काफ़ी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने बोला व्यू में जाके शो कर दो, किसी ने बोला हाइड कर दो, किसी ने कुछ कहा, और किसी ने कहा कि इस पर क्लिक करके किसी भी शेप पर और लेफ्ट राइट या किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दो तो वो डॉट्स आ जाएंगे लाइक दिस। बट मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ एक, और ये चले भी जाते हैं वापस, सिर्फ एक सिंगल क्लिक आप करेंगे रहेगा। आपने रोटेशन किया, सर्कल किया, मूव किया इसको, देन बाहर कहीं और क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था इसका। इसका दूसरा हल भी था, इफेक्ट में जाके हम स्टाइलाइज करके राउंड कॉर्नर भी कर सकते हैं, बट मुझे इसका शॉर्टकट चाहिए था, जो कि फोटोशॉप एड्रेस रिटर्न ने ऑलरेडी दिया हुआ है डाउट वालों ने। तो सिंपली इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, शेप पर क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और शो कॉर्नर विजिट कर देंगे, तो ये आपके पास कॉर्नर्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से एक पर क्लिक करूँ, इस पर करूँ या दोनों को साथ करूँ, ये अब जाएंगे नहीं। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कॉर्नर्स मेरे पास मौजूद रहेंगे। ये एक प्रॉब्लम थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ नेट पर थी नहीं और परेशान होते हैं काफ़ी लोग, तो ये है कि इससे मैंने शेयर करी। तो अगर कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम आई तो इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन निकाल के आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।